वेरी गुड मॉर्निंग आज मैं सेमेस्टर वन के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास अरेंज कर रही हूँ इसमें सी सी पेपर थ्री जो ग्रीक एंड मेडावल फिलासफ़ी है उस पेपर की आज हम शुरुआत करते हैं और हमने ये सिलेबस आपके समक्ष रखा है आप भी एक बार सिलेबस देख लें सिलेबस ये ग्रीक एंड मेडावल फ़िलासफी का सिलेबस सामने में रखा हुआ है जिसमें पांच यूनिट आप लोगों को पढ़ने हैं जिसमें से आज दूसरा यूनिट हम लोग ये जनरल आइडियाज़ है एक बार हमने ए, ए, क्लास लेकर वो हमने बताया था जब कॉलेज चल रहा था तो उसमें ये सारा इंट्रोडक्शन ही सब ये सब हो चुका था तो आज यूनिट टू का ये सॉकरेट सुकरात का जो ये मेथड है उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं फिर ये तीनों जो है ये यूनानी दार्शनिक है सुकरात प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन तीनों के पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे तो आज हम लोग सुकरात को जरा सा देखें सुकरात का मेथड क्या है सुकरात की पद्धति क्या है तो ये हम लोग आज सुकरात की पद्धति को देखेंगे इसके पहले थोड़ा सुकरात की जीवनी हम लोग जान लें क्या कि सुकरात कौन थे और उनकी क्या देन थी और वो, वो कहाँ से बिलोंग्स करते थे तो सुकरात कालीन दर्शन का जो आरंभ होता है वो सुकरात से आरंभ होता है और अरस्तु का दर्शन इसकी सीमा होती है सुकरात और अरस्तु के दर्शन से के बीच में सर सुकरात और अरस्तु के के बीच प्लेटो एक विद्वान है वो प्लेटो भी इस बीच में यहाँ पे इनके आते हैं यानी प्लेटो जी जो थे वो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के वो गुरु थे तो कालीन दर्शन में हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य की एक परंपरा चली आती है उसमें क्या होता है सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ये एक परम्परा एक है, गुरु शिष्य परम्परा एक है, यहाँ पर चली आती है वो हम देखते हैं गुरु शिष्य परंपरा चलती है यहाँ पे। तो सुकरात के बारे में थोड़ा जानना जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आखिर सुकरात जो यूनानी दार्शनिक है दर्शन है उनकी शुरुआत मुख्य रूप से वहीं से हुई है तो सुकरात यूनानी दर्शन में एक नया मोड़ लाने वाला जो दार्शनिक थे वो सुकरात ही थे और सुकरात के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मतलब कि दार्शनिक तो थे जितने व्यक्ति वो आंतरिक रूप से इतने अच्छे थे बाह्य रूप उनके बारे में कहा जाता है कि बाह्य रूप से बहुत ही वो साधारण थे और कहता है कि उनकी से गंजे गंजा उनका सिर था तो बड़ा चेहरा था आंखें उनकी बाहर निकलती हुई दिखती थी कहने का अर्थ ये है कि उनके बाह्य पक्ष के बारे में लोग कहते थे कि सुकरात का जो एक दार्शनिक थे उनका उनके उनकी चीज़ों उनकी बाह्य रूपों को देखने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि उनका एक खूबसूरत व्यक्तित्व था लेकिन इसके बावजूद वो जितना उनका बाहरी सूरत अच्छा नहीं था कहते हैं उतने ही आंतरिक रूप से वे काफ़ी सौंदर्यवान थे वो विद्वान प्रवृत्ति विद्वान व्यक्ति थे और सिर्फ विद्वान ही नहीं वो दयालु थे न्यायी थे ईश्वर प्रेमी थे और तीक्ष्ण वाले थे बुद्धि बुद्धिशाली थे वह बुद्धिमत्ता थे बहुत ही विद्वान थे और उन्होंने यूनान दर्शन यूनान में एक बड़े दर्शन को, को को आगे उन्होंने बढ़ाया और अपने गुरु गुरु से, और उन्होंने अपने दर, अपने दर्शन को आगे बढ़ाने में गुरु शिष्य सि, परंपरा और जो है उसको काफ़ी आगे बढ़ाया और और उनकी ये जो संवाद शैली है वो मुख्य रूप से भारतीय दार्शनिकों में या उपनिषदों में ऋषियों में ये समय में जो हम देखते हैं वेदांत में जो गुरु शिष्य परंपरा होती है एक तरह उनसे मिलती जुलती नज़र आती है और सुकरात जो है वो ज्ञान की खोज में हमेशा लगे रहते थे लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ में हाथ मिलती थी और अंत में वो एक निष्कर्ष पे आते हैं और निष्कर्ष में वो वो बताते हैं वो कहते हैं निष्कर्ष में कि सो तो, 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 मुझसे निष्कर्ष रूप में उन, उन, उन्हीं की बातें जो बता रहा हूँ बता रही हूँ मैं वो कहते हैं कि मुझसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ और शेष लोग तो अपने को ज्ञानी समझते हैं लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे सभी अज्ञानी हैं तो यानी कहने का मतलब ये था कि उन्हें ज्ञान की खोज में बहुत लोग उनको मिले लेकिन उनको ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो लोग उन्हें सही मार्गदर्शन दे रहे हों या सही जान बता रहे हों और उन्हें लगता था कि सारे लोगों को यह दम्भ है मन में दम्ब है कि सब कुछ मैं ही जानता हूँ जबकि ऐसा कुछ सत, ऐसा कुछ नहीं था तो दा ये सुकरात ने जो अपने दर्शन की उनको जब आगे बढ़ाया तो उन्होंने एक मेथड सुकरात पद्धति एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है सुकरात की पद्धति जिसके बारे में लोग ये बताते थे कि सुकरात पद्धति तो ये आखिर ये पद्धति क्या थी जब सुकरात ने लोगों को नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ किया उस पद्धति के दर्शन जगत में सुकरात की पद्धति के नाम से जाना जाता है और इसका प्रभाव आने वाले दार्शनिकों के चिंतन पर भी पड़ा और इस पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि आखिर इस पद्धति की क्या विशेषता है जिनके बारे में यह कहा गया कि यह सुकरात की पद्धति है तो इसमें इसकी कई विशेषताएं हैं इससे पहले सबसे पहले इन्होंने इसमें संदेह विधि को लिया संदेह विधि यानी मेथड ऑफ डाउट आउट को मेथड ऑफ डाउट और उन्होंने इस मेथड ऑफ डाउट में उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर चीज़ पर संदेह करना चाहिए अब जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं उसे अज्ञानी बनकर तब उसके संबंध में जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे तब जाके हमें उस सत्य को की प्राप्ति हमें हो सकती है क्योंकि किसी स्थापित सत्य की खोज के लिए हमें इस संदेह विधि को अपनाना बहुत जरूरी है तो यानी जांच ठीक से जांच परख करके तब फिर किसी चीज को या किसी निष्कर्ष को उनको अपनाना चाहिए तो ये पहला इनका संदेह संदेह विधि था फिर दूसरी दूसरा इनका था विवादात्मक विवादात्मक विधि जिसको कन्वर्सेशनल मेथड भी कहा जाता है कन्वर्सेशनल मेथड भी कहा जाता है तो कन्वर्सेशनल मेथड क्या होता है कि किसी समस्या के समाधान के लिए संदेह करने के पश्चात उस समस्या और उसके समाधान को जानने का हमें प्रयास करना चाहिए और इस प्रयास को करने के लिए बार बार हमें वाद विवाद अपनाना चाहिए और यह वाद विवाद का स्वरूप कैसा होना चाहिए प्रश्नोत्तर के रूप में यानी एक से प्रश्न करें और उसका जवाब ढूंढने तक हमें इंतज़ार करना चाहिए और जवाब ढूंढ मिलने का इंतजार करना चाहिए यानी प्रश्नोत्तर जो है वो सार्थक और शिक्षाप्रद होना चाहिए तब जाके हम उसके निष्कर्ष तक पहुंचने में कामयाब होंगे फिर आगे में तीसरी पद्धति के रूप में इन्होंने क्या किया कॉन्सेप्चुअल मेथड यानी प्रत्यात्मक प्रत्यात्मक विधि को इन्होंने अपनाया ये प्रत्यात्मक विधि किसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल इस अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल मेथड यानी सुकुरात की यह मान्यता थी मान्यता थी कि किसी भी वस्तु का ज्ञान उसके प्रत्ययों में निहित होता है और प्रत्यय क्या होते हैं किसी वस्तु का सामान्य और सार गुण होते हैं इसीलिए किसी वस्तु को जानने के लिए उसके सामान्य और सार गुण को जानना आवश्यक होता है तो जैसे उदाहरण के लिए ले लें हम मनुष्य जाति की की परिभाषा यदि हमको कोई कहना को चाहे तो मनुष्य की परिभाषा हम क्या बिना उसके सामान्य और सार गुण को जाने में हम नहीं दे सकते हैं मनुष्य का सार गुण क्या होता है पशुता और मननशीलता या पशुता और विवेकशीलता यह मनुष्य का सार गुण होता है तो उस मनुष्य के बारे में या मनुष्य की परिभाषा को जानने के लिए हमें उसको ये जानना पड़ेगा उसके उसके प्रत्यय को ये समझना पड़ेगा जानना पड़ेगा इसीलिए सुक्रात का सारा जीवन जो है वह प्रत्यय की खोज में ही लग गया और वही सुकरात की विधि सुकरात की विधि जो है वो प्रत्यवाद का विजारोपण करती है और ये सुकरात के दर्शन और के दर्शन को प्रतिवादी दर्शन भी आगे में कहा जाता है उसको जनक माना जाता है फिर आगे चले चौथे में तो चौथे में ये आगमनात्मक विधि को अपनाते हैं इंडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड ये मेथड क्या होता है कि सामान्य और सारुण की प्राप्ति इसी विधि इसी आगमन विधि के द्वारा होती है क्योंकि आगमन विधि के द्वारा ही सभी मनुष्यों में जो वसुधा और मननशीलता जो पाई जाती है उसका सामान्यीकरण जो प्राप्त होता है वो आगमन विधि के द्वारा ही होता है यानी इंडक्टिव मेथड के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है तो ये जो नामकरण किया जाता है मनुष्य के रूप में जो हम नामकरण कर देते हैं उसके सामान्य और सारगुण को देखते हुए राम सीता गीता कोई भी सब मनुष्य है लेकिन सबों को एक ही नामकरण मनुष्य में जो डाल देते हैं वह उसके सामान्य और सार्गुण को देखकर ही कर देते हैं इसीलिए ये मनुष्य का जो प्रत्यय होता है उसकी खोज क्या होता है आगमनात्मक विधि के द्वारा ही होती है अब इसके अलावा उन आगमन विधि के अलावा फिर उन्होंने निगमनात्मक विधि भी लिखा है उनके बारे में भी को भी बताया कि वो भी, भी, भी विधि इसको कहते हैं डिडक्टिव डिडक्टिव मेथड तो ये डिडक्टिव मेथड क्या होता है यह डिडक्टिव मेथड होता है कि आगमन विधि के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उस निष्कर्ष को परिपक्वता प्रदान करता है यह निगमनात्मक विधि है यह क्या करता है उसमें परिपक्वता उसको प्राप्त करता है क्योंकि दरअसल आगमन आगमनात्मक विधि की अपनी एक सीमा होती है संसार के प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग अल अनुमान ये आगमनात्मक विधि नहीं कर सकता है इसलिए सुकरात ने निगमनात्मक विधि को भी अपनाया और कहा कि इस विधि को भी अपनाने के बाद हमें सत्य की प्राप्ति में वो सहायता करेगा सुकुरात की जो पद्धति है उस, उस उसकी ये सब विशेषताएं हैं ये सब विशेषताएं हैं किन किन रास्तों से चल के उन्होंने मेथड को अपनाने के लिए कहा है फिर उसके आगे जब बढ़ते हैं तो उन्होंने प्राग कल्पना को बड़ा भी बताया है हाइपोथेसिस जिसको हम लोग जानते हैं हाइपोथेसिस जिसको हम हम लोगों ने आई ए में भी पढ़ा है इसको प्राकल्पना है को तर्कशास्त्र में पढ़ा है तो ये प्राकल्पना कल्पना के बारे में बताते हैं कि सुकरात की की विधि की एक विशेषता जो है वो एक प्राकल्पना भी है इस विधि में प्रतिवादी के पक्ष के साथ साथ उन आधार वाक्यों को भी प्रस्तुत किया जाता है जिससे परस्पर विरोधी अर्थ हम निकालते हैं तो इस विधि को प्राकल्पना विधि की तुलना आधुनिक तर्कशास्त्रियों की प्राकल्पना जो हम लोगों हमने अभी बताया उसी से की जाती है और इस विधि का सुकरात ने सही ढंग से इसका इसका भी प्रयोग किया है और बताया है कि इस इस जिस संबद्धता के साथ तर्कशास्त्री लोगों ये, ये प्राकल्पना को मानते थे उसी तरह इसमें प्राकल्पना हमेशा विधि तक पहुंचने में भी ये सहायक होगा इसलिए प्राकल्पना की भी की मदद लिया जा सकती है इसकी भी सहायता लिया जा सकती है फिर उसमें सातवा उन्होंने बताया एक कि पैराडिग्म एक जो होता है पैराडिग्म को क्या कहते हैं पैराडाइज इसे लिख सकते हैं पैराडिग्म मतलब पैराटिक में एक ऐसी विशेषता है वैज्ञानिक उपलब्धि है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में समस्याओं के समाधान के लिए एक आदर्श मॉडल या उस शोधकर्ताओं के लिए एक अनुसंधान के रूप में हम उसे स्वीकार कर लेते हैं उसे जब किसी भी चीज़ को किसी भी खोज को करने के लिए किसी एक वस्तु को या किसी एक आदर्श मॉडल को हम एक मतलब कि स्वीकृत कर लेते हैं एक मॉडल को आदर्श रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं कि इस रूप में ही इसे तैयार करना है तो यह तो ये भी ये सुकरात की विधि तक पहुंचने के लिए यहाँ तक बहुत जरूरी है जैसे आगमनात्मक विधि में हम लोगों ने किया फिर निगमनात्मक में करके एक हम आदर्श मॉडल उन सभी उदाहरण को देखते हुए उसमें सामान्य जो जो गुण होते हैं उनके सामान्यीकरण के आधार पर जो हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं उसको एक आधार एक आदर्श मॉडल बनाकर बना लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले आते हैं तो इस तरह उन्होंने ये सुकरात ने अपने विधि में इन सारे चीज़ों को स्थान दिया है तो सुकरात मुख्य रूप से क्या हुआ कि हमने देखा कि सुकरात की जो पद्धति थी उन पद्धति को हम लोगों ने देखा कि उसमें छः सात बातों को स्थान दिया गया है संदेह सबसे पहले संदेह विधि को फिर विवादा विवादात्मक विधि को यानी कन्वर्सेशनल यानी वाद विवाद के जरिए समाधान ढूंढना चाहिए फिर कॉन्सेप्चुअल प्रत्यात्मक विधि के द्वारा फिर आगमन विधि फिर निगमनात्मक विधि और फिर कल्पना और फिर पैराडिंग यानी एक आदर्श मॉडल तैयार करके यानी एक आदर्श मॉडल करके मॉडल तैयार करके और फिर उसके बाद तक तो ये ये आज कथा सुकरात की पद्धति जो आपके सिलेबस के, के हिसाब से यूनिट टू का ये 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 वाला चैप्टर हमने सोक्रेटिस मेथड को हमने आज डिस्कस करने का आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया और इसे आपने समझा होगा मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे आप इसे सफर फिर नेक्स्ट डे हम लोग प्लेटो पे शुरुआत के दर्शन को देखेंगे उस, उसको उसको शुरुआत करेंगे धन्यवाद